तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, ठीक है, लीफ के बारे में और लीफ और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से सुनना इस जो वीडियो है, इसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले लीफ जो होती है, लीफ कहाँ से डेवलप करती है, आपके आपके जो नोड से डेवलप करती है लीफ, ठीक है। ये प्लांट है, ये इसका नोड है, यहाँ से डेवलप कर गई हमारी क्या लीफ, ठीक है। एंड इट बियर्स ए बट इन इट्स एक्सिल, ठीक है, और एक बट वगैरह होता है इसके नीचे, ठीक है, और एक्सिल पोजिशन पे होता है, ठीक है, और यहाँ से क्या निकलता है, एक स्टेम निकल जाती है, और एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, यानी कि ब्रांच आपकी स्टेम निकल जाएगी यहाँ पे, तो समझ लो ये ब्रांच ही बन गई, फिर आगे पत्ते पत्ते हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद लीव्स जो होते हैं, दे आर ग्रो इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर, एक्रोपेटल और बेसिपेटल ऑर्डर मैं आपको बताऊँगा आगे, वो आते हैं हमारे इन्फ्लोरेसेंस में, वो आज इसी वीडियो में, ठीक है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, एक लीफ जो होती है उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सबसे पहला आता है लीफ बेस, लीफ बेस के बाद आता है हमारा पेटियोल, थर्ड इज लैमिला, ठीक है। लीफ जो होता है वो अटैच करता है स्टेम से बाय ये लीफ बेस, ठीक है। उसके बाद उसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके ऊपर, जिसको बोलते हैं स्टाइप्यूल्स। अगर इसको आप, अगर आपको लीफ को अच्छे से पढ़ना है तो एक काम कर लेना, एक पत्ता तोड़ लेना, सामने पता लग जाएगा आपको, स्टाइप्यूल आप देख सकते हैं, आप विजिबल होता है, ठीक है। मोनोकॉट में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है वो एक्सपेंड करता है, ठीक है, वो देख, अब मोनोकॉट लीफ में क्या होता है कि लीफ बेस एक्सपेंड कर देगा और एक शीथ बना देता है जो कवर कर देती है स्टेम को पार्शियली और होली, विच उसका मतलब मीनिंग क्या है, यानी कि ये पत्ता है, ऐसे पत्ता, यानी कि पत्ते जुड़े जुड़े हुए होंगे उसके अंदर, ठीक है, ताकि स्टेम दिखेगी नहीं आपको। आपने देखा होगा मोनोकॉट की, कोई भी प्लांट उठा के देख लेना आप, सामने पता लग जाएगा आपको। उसके बाद लेग्यूम्स में क्या होता है, लेग्यूम्स में बताता हूँ मैं आपको, लेग्यूम्स जैसे मटर वगैरह है ना, उसमें ना जो पत्ता होता है ना वो फूल जाता है, वो यानी कि स्वॉलो हो जाता है, और उस स्वॉलो पत्ते को हम क्या बोलते हैं, पलविन्स, ठीक है। जो पेटियोल होता है, पेटियोल ये डंडा होता है जो, इट हेल्प्स टू होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, जो आपका, अगर आपका जितना बड़ा पेटियोल जितना लंबा होगा और जितना फ्लेक्सिबल होगा तो उतना लीफ आपका यानी आवाज़ करेगा। आपने देखा होगा, आप देख लीजिए जब हवा चलती है तो उस टाइम क्या होता है, कुछ पत्तों की आवाज़ बड़ी ज़्यादा आती है, कुछ की बहुत कम आती है। जिनका पेटियोल जो जितना लंबा उतनी ज़्यादा आवाज़, जितना कम पेटियोल उतनी कम आवाज़, ठीक है। तो ठीक है, देर भाई। उसके बाद जो लैमिला होता है या लीफ ब्लेड होता है हमारा, ये लैमिला, इसी को बोलते हैं हम लीफ ब्लेड, ये ऊपर पूरा पत्ता, ठीक है। इसके ऊपर ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का मींस क्लोरोफिल पिगमेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है पैटर्न होता है, आपने देखा होगा पत्ते के बीच में ऐसे 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 ऐसे, ये पत्ता हो गया, ठीक है, उसके बीच में ऐसे 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 होता है, इनको बोलते हैं वीन्स और वीनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स, ये भी पढ़ना है हमने आगे, ठीक है। उसके बाद देर इज ए मिडल प्रोमिनेंट वीन विच इज़ नोन एज मिडरिप, जो सेंटर वाली वीन होती है उसको बोलते हैं मिडरिप। और उसके बाद वीन्स का मेन काम क्या होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है लीफ ब्लेड को, और क्या करना है, पानी की ट्रांसपोर्टेशन करनी है, पानी खाना वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका लीव्स, देख लीजिए आप वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स, वेनिशन का मीनिंग क्या होता है कि आपकी वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट किस तरह है किसी भी प्लांट में, ठीक है। या कोई भी आपकी लीफ है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लीफ, उसमें वीन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो दो तरीके से वीन्स अरेंज्ड होती हैं, एक जो तरीका होता है दैट इज़ पैरेलल, एंड दैट इज सेकंड वन इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट, यानी कि अगर आपका स्पाइडर की तरह जाल है तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट, पैरेलल हो गया पूरा पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल वेनिशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स, वाइल जो हमारा डाइकोटिलेडंस होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनिशन होती है। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ लीव्स, जो हमारे लीव्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया हमारा सिंपल, होगा कोई भी सिंपल चीज़ सिंपल, और दूसरा हो गया कंपाउंड, कंपाउंड
सिंपल लीफ क्या होगा, जिसमें कि लैमेला जो है वो एंटायर है, यानी कि आपका ये पेटियोल आ रहा है, यानी कि ये पेटियोल आया, यहाँ से लीफ बन गया, ठीक है, ये पेटियोल आया, दूसरी लीफ बन गया, ठीक है। तो अगर आपका जो मिडल लैमेला है वो एंटायर है, ठीक है, तो तब हमारी लीफ जो होती है दैट इज़ कॉल्ड ए सिंपल। तो कंपाउंड लीफ कौन सी होती है, उसमें क्या होता है, हमारा मिड रिब जो होता है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका मिड रिब है, मिड रिब क्या होगा, ये टूट जाएगा, यानी कि एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर, तो ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ जो होता है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है पिनेट और रहता है पामेट। पिनेट में क्या होता है कि जो हमारे पत्ते होते हैं वो एक कॉमन एक्सिस पे हो गए, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, तो उस पत्ते उसको बोलेंगे हम रैशिस, RACHIS, रैशिस, विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ लीफ एज इन नेम, ठीक है। और पामेट जो लीफ होते हैं उसमें क्या होता है, लीफलेट्स जो होते हैं दे आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेट्यूल एज इन सिल्क कॉटन, ठीक है। तो आप ये अगर लीव्स देख लेंगे, तो यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं, तो देख के तो पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो उसको अगर वीडियो को देख लें, उसमें साथ में उसमें एक ट्रिक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो लीफ की मॉडिफिकेशन हमने पढ़नी है। पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने लीफ के बारे में कि लीव्स कभी कभार फोटोसिंथेसिस, लीफ का मेन काम जो होता है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीव्स कन्वर्ट होती हैं टेंड्रिल्स के, मैं आपको बताया था स्टेम्स जो होती हैं, स्टेम्स भी टेंड्रिल्स बनाती हैं, उनके एग्जांपल्स याद कर लेना आप ग्रेप्स वगैरह की। उसके बाद लीफ अगर टेंड्रिल बनाती है तो वो किस में बनाती है, दैट इज़ इन पीस, और स्पाइंस बनाती है इन कैक्टस में, ठीक है, वहाँ पे थॉर्न्स पड़ी थी हमने स्टेम्स में, ठीक है। तो फ्रेशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड जो आप खाते हैं। इन सम प्लांट्स सच एस ऑस्ट्रेलियन एकेशिया लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिफ्ट। उसमें क्या होता है कि पेटियोल्स जो होते हैं वो एक्सपैंड कर देता है और ग्रीन हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस कर देता है, यानी कि ये पेटियोल है, ठीक है, ये क्या करेगा, लीफ शेड हो जाएगा, तो ये ही मोटा हो जाएगा और ये ही वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और जो हमारे पिचर प्लांट होता है और वीनस फ्लाई ट्रैप होता है दैट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ नॉट स्टेम, याद रखना। ये एग्जांपल्स दिए हैं, अच्छे से देख लें, पी प्लांट के बारे में, कैक्टस, अनियन वगैरह। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इनफ्लोरिसेंस। ये छोटा सा टॉपिक है। इन्फ्लोरेसेंस दो तरह की होती है, एक होती है रेसिमोज और दूसरी होती है साइमोज। उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस क्या है। इन्फ्लोरेसेंस का मीनिंग है कि आपके अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स किस तरह हो रहे हैं हमारे किसी भी प्लांट में, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन एनी प्लांट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लावर एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, राइसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है कि ये देख रहे हैं आप, ऐसा होता है रेसिमोस में, यानी कि रेसिमोस में क्या होता है, जो नए फ्लावर्स होते हैं वो मेन एक्सिस पे ग्रो करते हैं, यानी कि अरेंजमेंट उनका इस तरह होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर होता है। तो यहाँ से जो बुक में लिखा है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस जो होता है दैट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। यानी कि ये प्लांट है, यहाँ पर फ्रूट लगते रहेंगे, ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज साइमोस। साइमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस जो होता है वो टर्मिनेट कर जाता है और ब्रांचेस डेवलप करती हैं, जिसमें आपका क्या लगता है, फूल लगते हैं, ये आपका हो गया साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये था आपका दो तरह का फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये थी इसकी शॉर्टकट।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।